हाय गाइस, मेरा नाम मन्ना नेहरू। आज हम बात कर रहे हैं कि आप किसी भी चाइना एंड्रॉयड स्मार्टफोन का FRP अनलॉक मिरेकल बॉक्स से कैसे कर सकते हैं। अब बल्कि चाइना ही नहीं बल्कि आप माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, लावा, कार्बन, ये सारे के सारे एंड्रॉयड स्मार्टफोन को जो है आप मिरेकल बॉक्स से अनलॉक कर सकते हैं। और कैसे करेंगे तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मन्ना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और आप सोचेंगे सब्सक्राइब करने से क्या होगा, दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख सकेंगे। अगर आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं वीडियो तो वीडियो के नीचे यहाँ पर सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एक चाइना का जो है एंड्रॉयड स्मार्टफोन है और इसमें FRP लॉक लगा हुआ है। इसका FRP लॉक मुझे मिरेकल बॉक्स से अनलॉक करना है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई भी चाइना एंड्रॉयड स्मार्टफोन हो और चाहे इंटेक्स, लावा, माइक्रोमैक्स, कार्बन एंड्रॉयड स्मार्टफोन हो, आप उन सभी फ़ोन को मिरेकल बॉक्स से उसका FRP अनलॉक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको करके दिखा रहा हूँ। इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन का जो है FRP अनलॉक करना चाहते हैं तो उससे पहले आप उसका जो फ्लैश फाइल है उसे रीड कर लें मिरेकल बॉक्स में। क्योंकि अगर आप उसे रीड नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आप जब FRP अनलॉक करें तो उस वक्त आपका जो सेट है बंद हो जाए, डेड हो जाए। तो उस दौरान आप उसको दोबारा ऑन कैसे करेंगे और नेट पर आपको जो है उसका जो चाइना का जो फ्लैश फाइल आपको मिलेगा नहीं। तो इससे पहले आप उस मोबाइल का जो फ्लैश फाइल है उसे आप रीड कर लें मिरेकल बॉक्स में। और रीड करने के बाद उसका जो फ्लैश फाइल है, जो उसका मॉडल है, उस मॉडल का नाम लिख करके आप अपने कंप्यूटर के किसी ड्राइव में सेव कर लें। और जब आप अपने कंप्यूटर में सेव कर लेंगे तो हो सकता है उसका सेट बंद हो जाए, तो आप उसे दोबारा उस फ्लैश फाइल को राइट करके आप उसके मोबाइल को ऑन कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि 100% में से 20% चांस होता है सेट बंद होने का, इसलिए फ्लैश फाइल रीड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो फ्लैश फाइल है वो हमने सेव कर लिया है, रीड कर लिया है अपने कंप्यूटर में। अब हम बेफिक्र हैं, अब हम इसे बेफिक्र इसका जो FRP अनलॉक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्विस है लिखा हुआ और अनलॉक लिखा हुआ है, तो आपको अनलॉक पर क्लिक करना है। तो जैसे आप अनलॉक पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर सेटिंग FRP लिखा हुआ है, इस पर आपको टिक लगाना है। उसके बाद स्टार्ट बटन पर आपको क्लिक करना है।
यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आप जो इसका जो बैकअप है रखना चाहते हैं, इसका फ्लैश फाइल आप रीड करना चाहते हैं, तो फ्लैश फाइल तो हमने पहले ही ऑलरेडी हमने रीड कर लिया है, तो हमें अभी रीड नहीं करना है, तो हम इसे नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमें अपना स्मार्टफोन जो है यूएसबी डाटा केबल से अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करना है, और जैसे हम कनेक्ट करेंगे ये ऑटोमेटिकली जो है हमारा सेट जो है बिल्कुल इसका जो सेटिंग है रीसेट हो जाएगा और हमारा FRP अनलॉक हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो ये FRP जो है सक्सेसफुली जो है रीसेट हो चुका है, हमारा FRP अनलॉक हो चुका है। दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं कि कभी कभी क्या होता है कि जब हम मोबाइल लगाते हैं मेडिकल बॉक्स से USB डाटा केबल द्वारा और हमारा मोबाइल जो है मेडिकल बॉक्स से बूट नहीं कर पाता, उसका जो कारण होता है कि हमारा जो मान के चलिए हम MT के मोबाइल को अनलॉक कर रहे हैं या फ्लैशिंग कर रहे हैं, तो उसका जो USB ड्राइवर है वो जो है इंस्टॉल नहीं हो पाता है हमारे कंप्यूटर में, जिस कारण से हमारा मोबाइल बूट नहीं करता है मेडिकल से। ठीक है, मान के चलिए अगर स्पीड ड्रम मोबाइल है तो स्पीड ड्रम का जो ड्राइवर है वो हमारे सिस्टम से जो है इंस्टॉल नहीं हो पाता है जो हमारे सिस्टम में, और जिसके कारण से हमारा मोबाइल बूट नहीं कर पाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अपने डिवाइस मैनेजर में देख लेना कि जिस मोबाइल को हम लगा रहे हैं, जिस मोबाइल को हम अनलॉक करना चाहते हैं, उसका जो ड्राइवर है वो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो पाया है या नहीं, इस चीज़ को जरूर चेक कर लेना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर। और आपने अगर अभी तक हमारे EX मन्नान YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।